हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है नोलॉजी में और आप देख रहे हैं वर्सटाइल 7 का पहला वीडियो, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं 7 चीज़ों के बारे में जिसमें से 6 फैक्ट्स होंगे और एक कोइंसिडेंस। तो पहला फैक्ट ये है कि क्या आप जानते हैं कि 2015 में एक टेस्ट हुआ था वर्ल्ड्स फोर्थ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का, जिसे 40 मिनट्स लग गए थे हमारे ब्रेन के सिर्फ 1 सेकंड के एक्टिविटी को सिमुलेट करने के लिए। तो जिससे हम जान सकते हैं कि आज भले हाईएस्ट लेवल पे हो टेक्नोलॉजी, लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं हुई टेक्नोलॉजी जो हमारे ब्रेन को बीट कर सके। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन एक सिटी जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, उसे इंडिपेंडेंस इंडिया से लगभग 5 साल पहले मिला था, और उसे इंडिपेंडेंस मिला था 19 अगस्त 1942 को, और वो फर्स्ट इंडिपेंडेंस सिटी थी इंडिया की, और ये सिटी का नाम है बलिया, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। क्या आपको मालूम है कि बराक ओबामा ने आज तक 2 ग्रैमी अवार्ड जीते, वही ग्रैमी अवार्ड जो कि हर म्यूजिशियन और सिंगर का जीतने का सपना होता है। तो ग्रैमी अवार्ड उन्होंने 2-2 जीत चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कैटी पेरी ने आज तक 1 भी ग्रैमी अवार्ड नहीं जीता, और जस्टिन बीबर ने भी सिर्फ 1 ही ग्रैमी अवार्ड जीता है। बराक ओबामा ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे अपने बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए। उनका पहला जो ग्रैमी अवार्ड था उन्हें मिला था 2006 में, जो कि था ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, और फिर 2008 में द ऑडेसिटी ऑफ होप थॉट्स ऑन रिक्लेमिंग द अमेरिकन ड्रीम के लिए। आप सभी को इंडिया के ताज होटल के बारे में जरूर ही मालूम होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बिल्डिंग थी, इंडियन बिल्डिंग थी, जिसे ट्रेडमार्क मिला था। और मैं बता दूँ, ये जो महल है ये 114 ईयर्स पुराना है, और ये असल में एक होटल नहीं, ये असल में एक हॉस्पिटल हुआ करता था। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका का करंट फ्लैग डिज़ाइन किया था एक 17 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने, जिसका नाम था रॉबर्ट जी हेफ्ट, और इसने ये फ्लैग डिज़ाइन किया था अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए उसे ग्रेड मिला था B-। और वैसे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि इंडियन फ्लैग किसने डिज़ाइन किया था, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो इस वीडियो का 6ठा और आखिरी फैक्ट काफ़ी डरावना है, क्योंकि आप में से सभी लोगों ने अपने सपनों में कभी ना कभी किसी भूत को या फिर इविल स्पिरिट को या फिर किसी गोस्ट को देखा ही होगा। तो आप डर के मारे जैसे उड़ जाते हैं और फिर आप सोचते हैं कि वो बस एक बुरा सपना था, लेकिन ऐसा नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से, मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के बारे में बता दूँ, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये भूत प्रेत वाले केसेस को डील करते हैं। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये असल में एक वर्चुअल रियलिटी होती है, जहाँ पर वो जो भूत को आप अपने सपने में देखते हैं वो असल में एक असली की आत्मा होती है जो आपसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन आपकी जो सोल रहती है, आपकी जो आत्मा रहती है, वो इसे रिजेक्ट कर देती है इस कम्युनिकेशन को आपकी सेफ्टी के लिए। तभी आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो कभी भी बुरे सपने कंप्लीट नहीं होते। वैसे आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो जो आपको मैं अभी कोइंसिडेंस बताने वाला हूँ, वो कोइंसिडेंस एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आप अगर जानोगे तो आपको लगेगा आपकी किस्मत भी इसके सामने फीकी है। और इस इंसान का नाम है फ्रेंड सेलक, जो कि प्रोफेशनली एक म्यूजिक टीचर है, और इनके साथ हुआ यूँ कि ईयर 1962 में जब ये एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तब इनकी ट्रेन एक्सीडेंटली ट्रैक से उतरकर एक नदी में जा गिरी, जहाँ पे 17 लोगों की मौत हो गई, और इनका जो लेफ्ट हैंड था वो भी टूट गया, लेकिन इसके बावजूद वो स्विम करके रिवर को पार करके बाहर आ गए सही सलामत। और फिर एक साल बाद ईयर 1963 में ये एक एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे थे, और एरोप्लेन इनकी क्रैश हो गई, लेकिन जब इन्होंने अपनी आँख खोली तो वह एक घास के ढेर पर पड़े हुए थे। और फिर 3 साल बाद 1966 में वह एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, और बस का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें भी इनको सिर्फ हल्की फुल्की चोटें लगी, मामूली सी चोटें लगी, जबकि उसमें 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। और फिर 1970 में वह अपनी कार ड्राइव कर रहे थे जिसमें आग लग गई, लेकिन ये सही सलामत बाहर आ गए। और सेम इंसिडेंट इनके साथ 3 साल बाद फिर से होता है, जहाँ पर इनके सिर्फ बाल जल जाते हैं। और फिर 1995 में ऐसे ही वो एक बस एक्सीडेंट में भी बच जाते हैं, और फिर 1996 में वो ऐसे एक ट्रक एक्सीडेंट में बच जाते हैं। तो देखा जाए तो फ्रेंड सेलक अपनी लाइफ में तकरीबन पूरा टोटल 7 बार मौत को चकमा दे चुके, लेकिन इनकी किस्मत एक और बार इनके साथ देने वाली थी, और वो ईयर था 2003, जहाँ पर इन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी का लॉटरी टिकट खरीदा। और इन्होंने ये लॉटरी टिकट खरीदा, और फिर इनका जब रिजल्ट आया लॉटरी का, तो इन्होंने जीते थे 1 मिलियन रुपीज़।
तो इस हिसाब से फ्रेंड्स सेलर को इन्हीं सभी रीजंस के वजह से, इन्हीं सभी जो इनके साथ इंसिडेंट्स हुए, इन्हीं सभी इंसिडेंट्स की वजह से उनको कहा जाता है वर्ल्ड्स लकीस्ट मैन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, और जो आपके एडवाइस है, सजेशंस है, क्वेश्चन क्वेरीज है, उसे ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप नए आ गए मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स कोइंसिडेंसेस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद नोलॉजी।